Hey guys, welcome to our channel, the physics coaching. हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स की ये फिफ्थ क्लास है. आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और अभी तक की सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. और आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं. आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन क्वांटम मैकेनिक्स. अगर हमें क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम में पोटेंशियल, मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये किसी वी पोटेंशियल में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये पोटेंशियल क्या हो, रियल हो, तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आएगी. तो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन होगी डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल्टा डॉट एस इक्वल टू जीरो. ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज कन्वर्ज टू रियल पोटेंशियल, जहां पी क्या है, पी है पोजीशन प्रोबेबिलिटी. अब पी को हम कैसे लिखेंगे, पी इक्वल टू साई आर टी का नॉर्म स्क्वायर. और एस, एस क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. तो इसका वैल्यू क्या है, एच, एस इक्वल टू एच कट अपॉन टू आईटा एम साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार. अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन आए तो इससे सवाल जरूर पूछा जाता है. और यदि पोटेंशियल अपने को कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए तो जो जो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किसके इक्वल नहीं होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी. तो क्या है, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज नॉट कंजर्व्ड. और पी क्या होगा, पी होगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल टो. टो क्या है, ऑल स्पेस वॉल्यूम. ऑल स्पेस का क्या है, वॉल्यूम. नेक्स्ट चलते हैं. इफ पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि पोटेंशियल टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो जो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो किस कैसे कहलाएगी, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, दैट इज पी इज कॉन्स्टेंट, और डेल एस इक्वल टू जीरो. यानी कि जो स्टेट होगी वो क्या होगी, स्टेशनरी स्टेट होगी. इफ पोटेंशियल डिपेंड ऑन टाइम, अगर पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड करता है तो पी इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बट पी इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वन. हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी वन होती है, जिसमें इसमें सभी प्रोबेबिलिटी को अगर अपन ऐड कर दें तो एडिशन क्या आएगा उनका, वन. प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रियल वेव फंक्शन इज ऑलवेज जीरो. ऑलवेज जीरो इसका मतलब क्या है, जैसे एच कट अपॉन टू आईटा एम, ठीक, साई स्टार, अब साई माइनस डेल साई माइनस साई स्टार साई डेल साई स्टार. तो अब साई स्टार इक्वल टू रियल फंक्शन के लिए क्या है, साई स्टार इक्वल टू साई, तो ये दोनों पद क्या होंगे, इक्वल. इक्वल होने से एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो एस की वैल्यू जीरो होने से करंट डेंसिटी क्या होगी, जीरो. ऑल्सो द वेलोसिटी हैज रियल आइगन वैल्यू, ठीक.
यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, यूनिट क्या होगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इन थ्री डायमेंशन, एस यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इक्वल टू वन अपॉन मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई मीटर इनवर्स स्क्वायर सेक इनवर्स। तो ये हुई इन जनरल एम टू पावर माइनस एन माइनस वन सेकंड इनवर्स, और एन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट चलते हैं वेव पैकेट्स। अब क्या पढ़ेंगे हम वेव पैकेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेव पैकेट्स क्या है, किसी क्वांटम सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग लेमडा का क्या होते हैं वेव फंक्शन होते हैं। जैसे मैं इतनी ए से जीरो से ए के बीच में बात करता हूँ, तो यहाँ क्या है अलग अलग लेमडा की वेव फंक्शंस है। अब इन सब वेव फंक्शंस को क्या करेंगे हम ड्रॉ, हम सब वेव फंक्शन को मिला के क्या एक वेव फंक्शन मिलाएं। तो एक वेव फंक्शन मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा सा वेव फंक्शन प्राप्त होगा, और ये ऐसे कुछ अपने को अलग अलग लैम्डा के लिए जब इनका समेशन करेंगे हमको कुछ ऐसा वेव पैकेट प्राप्त होगा। तो वेव पैकेट क्या है, वेव पैकेट ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज कॉल्ड वेव पैकेट, यानी कि हमें किसी रियल फंक्शन की क्या बताता है एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, तो उसे क्या कहेंगे ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज कॉल्ड वेव पैकेट। मैथमेटिकली रूप से ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे साई एक्स टी इक्वल टू वन अपॉन अंडरूट टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई के ई टू पर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। ठीक, दैट इज ग्रुप ऑफ वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। समझ रहे क्या है स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ का क्या है ग्रुप। वेव फंक्शन प्ले ए की रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। वेव फंक्शन क्या रोल प्ले करता है, वो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को समझने में क्या करता है, उनके में कनेक्शन क्या है उनको समझने में मदद करता है। और हम इसका सुपरपोजिशन किससे कर सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से समझ सकते हैं। अब पोजिशन टू वेक्टर स्पेस और पोजिशन टू मोमेंटम स्पेस। अब मोमेंटम स्पेस और पोजिशन स्पेस में ये वेव फंक्शन किस तरह के होंगे तो वो देख लेते हैं। तब जब हम पोजीशन को वेक्टर स्पेस में प्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे साई नोट एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाइ के ई टू पर आइटा के एक्स डी एक्स। और इसको मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करें तो साई एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई एच कट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई पी ई टू पार आइटा पी एक्स अपॉन अचकट डी पी। ठीक, अब फाई क्या है, फाई क्या है एम्पलीट्यूड, कि एम्पलीट्यूड क्या है वेव पैकेट का। तो फाई फाई के इक्वल टू अंडरूट ऑफ टू पाई माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट साई नोट एक्स ई टू पार माइनस आइटा के एक्स डी एक्स। और इन इन मोमेंटम स्पेस फाइ के इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू पाई एच कट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई नोट एक्स ई टू पर माइनस आइटा पी एक्स अपॉन एच कट डी एक्स। इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड इन वन स्पेस, इफ वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड इन वन स्पेस देन
corresponding wave function is another space is also normalized. यानी कि मेरे को position space में क्या दे रखा है, wave function normalized दे रखा है. तो वो position space वाला wave function momentum space में भी क्या होगा, normalized होगा. तो इसको mathematically represent करेंगे, minus infinity to plus infinity integration psi naught x norm whole square dx equal to integration of minus infinity to plus infinity phi k norm square dk. So there is p equal to s cut k. Normalization constant may be real or imaginary. Normalizing constant kya ho sakta hai, real bhi ho sakta hai aur imaginary bhi ho sakta hai, kyunki hamara wave function kya hai, complex hai. Fourier transformation of Gaussian wave function. Gaussian wave function का क्या करेंगे, Fourier transformation. Plane wave का Dirac delta and vice versa. For most probable value of momentum is d upon dp phi p whole square equal to 0, then calculate p. यानी कि कोई अपने को wave function दे रखा है, किसके form में, momentum space में अपने को दे रखा है, तो हम उसका क्या करेंगे, exact या differentiation करेंगे उसका p के सापेक्ष, और उसको 0 equal 0 रख के क्या निकालेंगे, p की value निकालेंगे, mean probable value. पोजिशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस में किसकी बात करते हैं, ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं. तो एक्स कैप को क्या लिखेंगे, एक्स कैप क्या किसके लिए है, पोजिशन के लिए. मोमेंटम के लिए क्या है, पी कैप इक्वल टू पी. मोमेंटम क्या है पोजिशन स्पेस में, पी एक्स इक्वल टू इन अलोंग टू एक्स एक्स डायरेक्शन equal to minus iota s cut del x. Del x मतलब del upon del x. ठीक. और in momentum space x cap equal to iota s cut del px. ठीक. P square equal to minus square of this minus s cut square del square. और in momentum space x cap square equal to minus h cut square del square p. This is relation of commutator. X cap p cap equal to iota h cut, x cap x p cap equal to iota h cut. In dono space mein commutator ki value kya rahegi, equal. Psi x equal to a e to power iota px upon h cut. यानी कि delta x में जो uncertainty है वो क्या होगी, infinite, और momentum में 0. And in momentum space psi equal to a e to power iota px upon h cut. Momentum में uncertainty कितनी होगी, infinite, और position में 0. अब डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. डिराक डेल्टा फंक्शन इवन फंक्शन. डिराक डेल्टा फंक्शन वैसे है क्या, सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ऐसा कोई फंक्शन है जहां x बराबर क्या है, x नॉट. तो इस तरह की फंक्शन को क्या कहते हैं, जहां x की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट लोकेटेड. इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन. अब इफ इवन फंक्शन, अगर फंक्शन इवन हो तो डेल माइनस x इक्वल टू डेल x.
इफ डेल एक्स अपॉन ए इक्वल टू ए डेल एक्स एंड डेल ए एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए डेल एक्स, डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन्फिनिट इफ एक्स इक्वल टू ए, या फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से वन अपॉन टू पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिट e टू पावर प्लस माइनस आईटा के ए एक्स माइनस ए डी एक्स, देर इज लिमिट, लिमिट इज जी टेंस टू इन्फिनिट साइन पाई एक्स माइनस ए अपॉन जी एक्स माइनस ए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज साई सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स, तो ये किसके होगा इक्वल एफ ए के, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, ये बात रिमेंबर रखो, एफ एक्स क्या होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एफ डेज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एफ डेज एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डेज ए, जहां क्या एफ डेज ए क्या होना चाहिए कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डेल माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स सॉरी डी एक्स इक्वल टू एफ ए इक्वल टू एफ जो ए है वो कहाँ से कहाँ तक है माइनस एक्स वन टू लेके एक्स टू और जीरो अदरवाइज। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स इज ए 50 किलोवाट ब्रॉडकास्टिंग एंटीना इमिट रेडिएशन वेव एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 मेगाहर्ट्ज़, फाइंड हाउ मेनी फोटोन आर इमिटेड पर सेकंड, वी नो द ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, अपने को एन निकालना है तो ई अपने को दे रखी है 50 किलो वॉट अपॉन एच अपने को पता ही है, सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन टू पर माइनस 34 इंटू न्यू अपने को दिया है फ्रीक्वेंसी एरी 5 मेगा हर्ट्ज, तो 1 अपॉन 5 इंटू टेन टू पावर 6 एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट एन इक्वल टू 1.5 इंटू टेन टू पावर 31, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स ऑल फॉर गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।